बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं उत्तराखंड रोडी, आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि देश में कितने सारे नेता रहते होंगे, आप उनके सारों के ट्विटर अकाउंट जाके चेक कीजिए, फेसबुक अकाउंट जाकर चेक कीजिए कि लगातार किसान मजदूर और दलित पिछड़ों पर हो रहे जुल्म जातियों के लिए किसने आवाज उठाई। मजदूरों को उनको घरों पर भेजने के मामले में सबसे ज्यादा अगर आवाज किसी ने उठाई तो वो बसपा सुप्रीमो मायावती जी थी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने लगातार अपने ट्विटर अकाउंट से एक बार नहीं बल्कि कहीं कई बार उन्होंने लगातार केंद्र सरकार से मांग की कि आप जो मजदूर लोग हैं उनको उनके घरों तक भेज दिया जाए। मैं ये नहीं कहता कि किसी और नेता ने इस पर बात नहीं की, हर नेता ने लगभग इस मामले में जो विपक्ष के लोग थे उन्होंने इस पर आवाज उठाई, लेकिन तमाम नेताओं ने एक एक बार जो है अपने ट्विटर अकाउंट या फेसबुक से डालकर तीसरी कर ली, यानी कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी लगातार 40 दिन के इस लॉकडाउन के काल के अंदर लगातार फेसबुक जो ट्विटर अकाउंट है उनका उनके माध्यम से वो लगातार केंद्र सरकार से मांग करती रही कि प्रवासी जो मजदूर लोग हैं उनको उनके घरों तक भेजा जाए। साथ ही इस लॉकडाउन काल के अंदर उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की थी कि आप मजदूर जो किसान लोग हैं जो अलग अलग राज्यों में प्रवासी मजदूर फंसे हुए उनको आप उनके घरों तक भेजने का काम करें। आज आपको बता दें कि इस मामले में केंद्र सरकार ने बसपा सुप्रीमो मायावती जी और तमाम विपक्ष की इस बड़ी मांग को मान लिया है। आज केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी करके ये साफ कर दिया कि जो मजदूर अपने घरों को लौटना चाहते हैं उनको घरों पर भेजा जाएगी। हालांकि उन्होंने चार शर्तें रखी है जिसमें ये कि जिस राज्य में आप फंसे हुए हैं और जिस राज्य में आप जाना चाहते हैं, यानी कि आपका गृह राज्य और जिस राज्य में आप फंसे हुए उन दोनों राज्य सरकारों के बीच आपसी सहमति होनी चाहिए। दूसरी जो टिप्पणी है वो ये कि आपको अपने नोडल अधिकारियों को सूचना देनी होगी कि आप अपने घरों को लौटना चाहते हैं, आपको पंजीकरण करवाना होगा। और तीसरी जो है वो कि आपको दो बार आपकी स्क्रीनिंग होगी, आप जहां से बैठेंगे वहां से स्क्रीनिंग होगी और जहां पर आप जिस राज्य में आप पहुंचेंगे वहां पर भी आपकी स्क्रीनिंग होगी। और चौथी जो है वो आपको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, अपने परिवार से अलग है वो रहना पड़ेगा आपके घर परिवार तक पहुंचने के बाद। तो ये है वो शर्तें केंद्र सरकार ने लगाई है। साथ ही केंद्र सरकार ने साफ किया है कि पंजीकरण होना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जो केंद्र सरकार है उन्होंने ये एडवाइजरी की है जारी कि जो राज्य सरकारें हैं वो इस मामले में फैसला ले सकती है। अब राज्य सरकारों को इस मामले में तार्किकता दिखानी चाहिए, जल्दीबाजी दिखानी चाहिए है कि जल्दी से जल्दी जो मजदूर अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं उनको उनके घरों तक